नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। बड़ी खबर आपके लिए, बड़ी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप जानते होंगे कर्फ्यू हिमाचल में लग चुका है। अनिश्चितकाल एट मीन्स कि ये कब तक रहेगा कोई जानकारी इसके नहीं है, पर आप ये मान के चलेगा कि 21 दिन जो मोदी जी ने अभी लॉकडाउन किया है तब तक ये कर्फ्यू रहेगा और हिमाचल में ये जो कर्फ्यू है ये जारी रहेगा तब तक। ठीक है, देखिएगा बिगली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम इस वीक आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं अपडेट्स मैं दे दूंगा, आपका बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, और क्योंकि आप जानते हो कि कर्फ्यू लग चुके हैं और इस सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म है जिनको आप भर सकते हैं वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, उसको आप देखिएगा। और जिन लोगों के क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसी में ऐड किए हैं, तो उनका जवाब मैं आपको दूंगा, लास्ट तक देखिएगा, जरूर इसको आप नोट कर लेना। कौन कौन से फॉर्म आप अभी भर सकते हैं, देखिएगा ये बड़ा सवाल है कि कौन से फॉर्म निकले आपको कैसे पता होगा, नहीं पता है, एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स हिमाचल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तीन आपको उसकी कैटेगरी बनी हुई है, जो भी वैकेंसी भरी जा रही है वो चाहे स्टेट के या सेंटर की उनकी जानकारी उसमें आपको दी हुई है। ठीक है, बात करें हिमाचल की, अभी आप कौन सी वैकेंसी भर सकते हैं, देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर हमीरपुर की जो 942 पदों पर जो भर्ती निकली है उसके लिए आप अभी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी मेरे भाई किसी ने एक कमेंट किया कि सर HPPSC की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो HP जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी वेबसाइट पर सिर्फ आपको आवेदन करना है, अपनी फीस आपने जमा करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको नहीं करने हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा, बेकार में आप प्रयत्न ना करें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उस पर आपके सेव नहीं होंगे। फॉर्म कौन से भर सकते हैं, 942 जो पद हमीरपुर चयन बोर्ड में निकले हुए इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा कल तक हिमाचल प्रदेश में सभी जो ऑफिस है वो बंद है 26 तक, 26 के बाद वो खुल जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूँ, आपको पता होगा जो लोग पहले ही भरते आए हैं, हमीरपुर चयन बोर्ड की जो डेट है 30 तक वो एक्सटेंड हो जाएगी, उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इस कर्फ्यू के बाद या इस लॉकडाउन के बाद। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिससे हम कहते हैं HPPSC से मिला 92 पदों पर वो भर्ती चल रही है आपकी अभी वर्तमान में, उस भर्ती के लिए आप अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट मैंने आपको लिंक दे दिया है, जितनी भी वैकेंसियाँ हिमाचल की है चाहे सेंटर की है, जैसे SSC इंडिया की सेंटर की जो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसमें वैकेंसी भरी जा रही है, तो उसमें कौन से पद है कब तक आप आवेदन कर सकते हैं वो पूरी जानकारी उसमें दी हुई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर दी हुई है, वो आप चेक कर लीजिएगा, और वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आएगी, आपको एक घंटी आएगी, उस पर आप अलाउ कर दीजिएगा नोटिफिकेशन को, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित जो आपसे न्यूज़ जुड़ी है, जो आपको रोजगार की समाचार चाहिए, न्यूज़ आपको चाहिए, उसकी जानकारी वो उसमें आपको दी हुई है इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको दिया हुआ है, इसको आप ओपन कर लेना, जितनी भी वैकेंसी है जो भरी जा रही है उसकी जानकारी अभी आपको उसमें दी हुई है। ठीक है, उनको आप चेक कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की जो वैकेंसी है ये भरी जा रही है, घर से आपको इसके लिए नहीं निकलना पड़ेगा, तो आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनको पता नहीं कि फॉर्म कैसे भरते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो का डेमो बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे आप फॉर्म अपना भर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, खुद आप फोन से भरेगा, क्योंकि बार बार आप कैफे जाने की जो आपकी आदत पड़ी है उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन ही आपका तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो जियो फोन वाले जिनको पता नहीं है उनके आसपास कहीं किसी के पास, जैसे आपके बड़े घर में कोई भाई बहन है उनके पास फ़ोन होगा, एंड्रॉयड होगा, वहाँ से आप आवेदन कर दीजिएगा, और फॉर्म के लिए घर से आपने बिल्कुल नहीं निकलना है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म है, तो पहला लोक सेवा आयोग का मैंने आपको बता दिया, HPPSC इसको हम कहते हैं, ठीक है, HPPSC, और दूसरा HPSSC हमीरपुर चयन बोर्ड, इसमें 943 पद, इसमें 92 पद है ये भरे जा रहे हैं। ठीक है, इनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। इसके साथ जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ होल्डिकर्स की नोटिफिकेशन थी उसके लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन है तो बैंक आप अभी नहीं जा पाओगे, तो जैसे उसकी डेट एक्सटेंड होती है, क्योंकि आपको पता है डेट सबकी एक्सटेंड होगी बाद में, जितनी भी नोटिफिकेशन निकली हुई उनकी द्वारा से वो नोटिफिकेशन एक्सटेंड उनको कर दिया जाएगा, उनकी डेट जो उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा इस लॉकडाउन के बाद। ठीक है,
परंतु अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप जीवित रहते इस बारिश के प्रकोप से आप बच जाते हैं, तो उसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका द्वारा मिल जाएगा। जिन लोगों को पता है, जो लोग खुद फॉर्म भर लेते हैं वो अपने फ़ोन से आप ट्राई करेगा, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं चलता जैसे लोक सेवा आयोग की फॉर्म कैसे भरते हैं, वो मैं आपको आज एक डेमो बना के बता दूंगा, ठीक है। SSC हमीरपुर का फॉर्म भरना टफ है, क्योंकि वेबसाइट फ़ोन से बार बार लॉग आउट हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको लैपटॉप या अपना जो आपका फ़ोन है उसको डेस्कटॉप वर्जन पर आप कर दीजिएगा। गूगल क्रोम आप ओपन कर लेना, उससे ये आप भर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक तरीका होता है, आप रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद लॉग इन करेगा। लॉग इन करने के बाद आपको जो भी फॉर्म भरनी है, बाकी जानकारी मैं आपको इस चैनल EN हिंदी पर दे चुका हूँ और अपने पर्सनल ब्लॉग चैनल राम भारद्वाज पर इसके अपडेट्स आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर सिंपल मैंने आपको बता दिया, कोई भी फॉर्म भरती है रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है, उसके बाद आपको लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई करने का लिंक आ जाता है, तो उस पर आपने क्लिक करना होता है। नाम पता कितने पड़े हो वो आपने भरना होता है, सब कुछ उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भरनी है, एज सेलेक्ट करनी है, रिलैक्सेशन चाहिए कैटेगरी, उसके बाद आप अपना मदर नेम फादर नेम भरेगा, ये सब कुछ करके आपको फिर फीस सबमिट करवानी होती है। सेंटर की जो फॉर्म है मैक्सिमम उसमें जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है। अभी जो लड़कियाँ हिमाचल के उनके लिए HPPSC शिमला में और कर्मचारी चयन आयोग जो SSC हमीरपुर है इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। बिजली बोर्ड में वैकेंसी निकली थी अभी 1893 पद, ठीक है, 1893 पद थे, और सॉरी 1892 पद थे HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उनको वापस ले लिया गया, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था उसी दिन, 20 मार्च की बात है, मैंने आपको बता दिया था 19 को नोटिफिकेशन जारी हुई, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी की थी 19 को, और उसके बाद 20 को वापस ले लिया, और मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि अभी भरना संभव नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म में आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पर फिर भीड़ होगी, भीड़ में आप फिर संक्रमित हो जाओगे, वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लॉकडाउन किए गए हैं। और अभी एक खबर आ रही है कि उन्ना में लोगों ने पुलिस वालों को मारा, क्योंकि उन्होंने लोगों को गार्डन में घूमने से रोका था, ठीक है। तो ये सब कुछ आप ना करें। और चंबा की एक खबर आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताई कि वीडियो में पुलिस वालों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे, तो आपको पता है धारा 144 लागू है, अब भी कोई कानून इस पर आपका कोई अधिकार नहीं चलेगा। इस टाइम आप सुरक्षित रहे, सेफ रहे, घर में रहेगा, क्योंकि आपका एक संक्रमण पूरे समाज को दूषित कर सकता है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो घर में रहे, बाहर ना निकले, चाहे जो भी हो जाए आपने बाहर नहीं जाना है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं सोलन में जॉब करता हूँ और मैं अपने घर मंडी आना चाहता हूँ, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। देखिएगा, आप कोशिश करिएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एक दो डिस्ट्रिक्ट के अपडेट्स देखी है। चंबा की देखिए, एक जो आशा रानी है डलहौजी की जो MLA है, उनके द्वारा बिलासपुर से लोगों को बुलाया गया, क्योंकि डलहौजी के लोग बिलासपुर में फंसे थे, 3 दिन से भूखे थे, और उनको अभी प्रशासन द्वारा गाड़ी भेजकर वापस घर बुलाया गया, ठीक है। इस प्रकार से जो भी लोग हैं, आप कोशिश करेगा कि प्रशासन से आप संपर्क करें और कोशिश करें कि वो आपको सेफली सेफ्टी के साथ वो आपको घर आपके घर तक पहुँचाए। तो इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग बाहर हैं, जो घर आना चाहते हैं, जो हिमाचल में है, ठीक है, जो हिमाचल में है वो ठीक है, स्वस्थ है, वो लोग कोशिश करें कि वो घर आए, ठीक है। आप अगर हिमाचल से और आप पंजाब में, दिल्ली में या किसी भी स्टेट में हैं, तो आप अभी फिलहाल वहीं रह गए, क्योंकि हिमाचल फिलहाल अभी सेफ है, 2 केस है उसमें, ठीक है, कोरोना वायरस के। हो सकता है आप में से कोई इफेक्टेड हो, तो उसकी वजह से फिर वायरस का खतरा मंडरा सकता है। तो आप कृपया करके आप अपने, आप जहाँ पर भी आप वहीं पर रहे, इसमें भी कोई रिस्क आप ना लीजिएगा। तो ये जानकारी थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपडेट्स दोस्तों को आप दे दीजिएगा, कि जो ऑनलाइन फॉर्म है इनको आप भर दीजिएगा, ऑफलाइन जो फॉर्म है आपको आगे भरने के लिए डेट जो एक्सटेंड इसकी कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन द्वारा से आ जाएगी। इसी चैनल पर आपको अपडेट्स दी थी मैंने, ये फॉर्म निकले उसी टाइम जब भी ये नोटिफिकेशन द्वारा से आएगी, तो मैं आपको अपडेट्स इसकी दे दूंगा कि ये फॉर्म आप द्वारा से आप भर सकते हो जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तब, ठीक है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। जो भी हो रहा है इंडिया में, स्टेट में, उसकी जानकारी पल पल के अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।